हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसका पहला पार्ट हो चुका है। उसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम पढ़ाने चल रहे हैं आज से चार्टर एक्ट 1833। इसके बारे में बताएंगे कि चार्टर एक्ट 1833 क्या है। तो इसके बारे में, तो ये चार्टर एक्ट जो था, इस अधिनियम को भारत शासन का, ब्रिटिश सरकार का पहला एक अच्छा कदम कहा जाता है, क्योंकि भारत, ब्रिटिश भारत में जो केंद्रीयकरण का जो नया कदम उठाया गया था, इसलिए इसको एक अच्छा कदम कहा जाता है। इसमें पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया। तो इसमें जो बंगाल के गवर्नर थे उनको पूरे भारत का गवर्नर बना दिया गया, और उसके बाद कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसको समाप्त करके केवल राजनीतिक अधिकार दिए गए, और सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए कंपनी के, और उसके कंपनी के प्रदेशों में, मतलब कंपनी के जो प्रदेश थे उनमें रह रहे लोगों, जो भारतीय लोग थे, उनके जन्म स्थान, धर्म, जाति के आधार पर कंपनी के किसी भी पद से वंचित नहीं किया जा सकता था, और कानून बनाने की शक्ति जो थी केवल गवर्नर जनरल को ही दे दी गई, मतलब मद्रास और मुंबई के जो प्रेसिडेंसी थी उनसे कानून बनाने के अधिकार को छीन लिया गया, और केवल कानून बनाने के अधिकार को केवल गवर्नर जनरल को ही दे दिया गया, जिसमें से, और उसके बाद दास प्रथा, जो उस समय दास प्रथा चल रही थी, उस दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, और गवर्नर जनरल को ये निर्देश दिया गया कि वो दास प्रथा, मतलब इस के बारे में, जो दास प्रथा चल रही है इसके बारे में कोई नए कदम उठाएं। तो उसके बाद है चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 ये जो है विधायिका को और बहुत शक्तिशाली बनाने के लिए लाया गया था। इसमें विधायिका का विस्तार किया गया, और उसके बाद गवर्नर, इसमें जो गवर्नर जनरल की परिषद जो थी उसमें 6 सदस्य और जोड़े गए, जैसे बंगाल, मुंबई, मद्रास, आगरा मुख्य, और उसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और एक कनिष्ठ न्यायाधीश थे। उसके बाद निदेशक मंडल के जो सदस्य संख्या थी उसमें कमी कर दी गई, जिसमें से 24 से 18 कर दी गई, जिसमें से 6 ब्रिटिश सदस्य थे। और उसके बाद सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई, जिसमें भारत, और वो सिविल सेवा परीक्षा थी वो भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। उसके पहले उसमें किसी भी बड़े पोस्ट पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी। तो इसके बाद हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। तो भारत शासन, जैसे कि बताया कि ताज कंपनी का शासन, पूरा हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें हम दो भाग पढ़ते हैं, एक ताज का शासन और कंपनी का शासन। तो अब जो है वो ताज का शासन 1858 और 1947 में भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। इसमें, इस अधिनियम में क्या किया गया, इसमें 1858 में भारत का शासन जो था वो महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया था, कंपनी के शासन से, कंपनी से जो है भारतीय शासन जो था वो ले लिया गया, और वो इसके अधीन, महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया था। और इसमें भारत के गवर्नर, जो लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत के गवर्नर को वायसराय कहा गया। तो पहले वायसराय, भारत के पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के पहले वायसराय थे। तो वहाँ भारत के गवर्नर को चेंज किया गया, भारत के गवर्नर को क्या कहा गया, भारत के गवर्नर को वायसराय नाम दिया गया। और फिर इस अधिनियम को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इस अधिनियम को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके भारत सचिव का पद बनाया गया, मतलब इस दो पद को समाप्त करके भारत का एक नया पद बनाया गया भारत सचिव के नाम से, और उसमें 15 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया गया, जिसका जो भारत सचिव की सहायता के लिए। तो ये भारत शासन अधिनियम 1858 की कुछ पॉइंट्स थे जो इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1909। तो भारत शासन अधिनियम 1909 के बारे में बताएंगे। इस अधिनियम को हम क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्ले मिंटो दो लोग थे, जिसका नाम था मार्ले, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे मार्ले, और मिंटो भारत में वायसराय थे, तो इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। और इसमें जो केंद्रीय व प्रांतीय परिषद ने जो
की काफी वृद्धि कर दी गई, मतलब इसमें जो केंद्रीय और प्रांतीय सदस्य थे उनकी संख्या में काफी वृद्धि कर दी गई, मतलब जो केंद्रीय परिषद में सदस्य संख्या जो थी वो 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई। और उसके बाद बहुमत में प्रांतीय परिषद की जो बहुमत थी गैर सदस्य गैर सरकारी सदस्य की बहुमत की अनुमति दी गई, और सरकारी सरकारी और गैर गैर सरकारी सदस्यों में जो है सदस्यों की संख्या जो थी निर्वाचित सदस्यों की संख्या से अधिक कर दी गई। मतलब बहुमत प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति दी गई, और सरकारी सदस्यों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या से अधिक कर दी गई, और उनके द्वारा बनाए गए कोई भी जो कानून, तो कोई भी कानून जैसे कोई भी बजट होता है उसको पारित करने से पहले उस पर विचार विमर्श करने की भी अनुमति दी गई, मतलब पारित करने से पहले उस पर सभी के विचार विमर्श करने की भी अनुमति दी गई इस अधिनियम में। उसके बाद भारत के भारत को वायसराय गवर्नर के कार्य परिषद के साथ पहली बार ऐसा हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के जो भारतीय थे भारतीयों को वायसराय गवर्नर के कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने की छूट दी गई, एसोसिएशन बनाने का अनुमति दी गई, और इसी में पृथक निर्वाचन की शुरुआत होती है। पृथक निर्वाचन की शुरुआत होती है, मतलब कोई भी जो मुस्लिम सदस्य होता है उसको चुनने के लिए मुस्लिम सदस्य को केवल मुस्लिम मतदाता ही चुन सकता था, तो इसको पृथक निर्वाचन, इसलिए इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन की शुरुआत को कहते हैं, जिससे यहाँ से सांप्रदायिक विधि की जो शुरुआत होती है। तो हम पढ़ेंगे भारत, अब इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 में ये इसमें क्या किया गया, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार जो है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषणा की कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। तो इस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसमें मॉन्टेस्क्यू भारत के राष्ट्र सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। उसके बाद इसमें राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम करने के लिए केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची को अलग कर दिया गया, और दोनों को स्वतंत्र कर दिया गया कि वो अपने सूची पर कानून बना सकती हैं। और उसके बाद इसमें केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, और वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें 3 भारतीय सदस्य का होना आवश्यक कर दिया गया। इसमें इतने पॉइंट्स हैं कि भारत की कार्यकारी परिषद में 3 भारतीयों का होना आवश्यक कर दिया गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं साइमन आयोग की शुरुआत कब हुई, मतलब साइमन आयोग क्यों लाया गया, क्योंकि साइमन आयोग भारत शासन अधिनियम 1919 पारित होने के बाद 10 साल बाद साइमन आयोग जो था वो साइमन आयोग 10 साल बाद 1929 में आना था, लेकिन 2 साल पहले 1927 में ही भारत के इस नए संविधान की स्थिति को पता लगाने के लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। ये सभी जो है हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें उसका कुछ पार्ट है पढ़ना जरूरी है समझने के लिए, इसलिए बताया जाता है साइमन आयोग में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। तो और उस 7 सदस्यीय समिति में सभी ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका विरोध किया लेकिन सन 1930 में साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने सिफारिश की द्वैत शासन प्रणाली और सांप्रदायिक निर्वाचन और राज्य सरकार का विस्तार के लिए उसने सिफारिश की। तो सिफारिश किया उसने, तो उसमें ब्रिटिश भारत और भारतीय जो प्रांत थे उनमें वहां के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ एक गोलमेज सम्मेलन किया गया, और उनसे जो है एक और उससे इस बात पर, मतलब ये जो सिफारिश थी, मतलब इस प्रस्ताव पर बातचीत की गई, और इस प्रस्ताव पर बातचीत करने के बाद उसने जो एक नया श्वेत पत्र तैयार किया, और उस श्वेत पत्र को में जो भी बहुत सारे संशोधन किए गए, और उस संशोधन को करने के बाद जो है इसमें से कुछ जो है बहुत सारे अधिनियम और एक्ट जो है वो सब 1935 में शामिल कर लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में
ब्रिटिश शासन में जो 1861 से संवैधानिक विकास हो रहा था, तो संवैधानिक विकास का इसको जो है संवैधानिक विकास का अंतिम चरण माना जाता है। 1918 अधिनियम, इसमें प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और उन्हें सभी प्रांतों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। उसके बाद इसमें जो सभी सूचियां थी, मतलब सभी समस्त सूचियों को तीन भाग में डिवाइड कर दिया गया, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें केंद्रीय सूची में 59 विषय थे और राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। उसके बाद इसी अधिनियम के तहत जो है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 की स्थापना की गई और उसके बाद 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसमें जो है इतना ही पॉइंट है, थ्री पॉइंट्स है इसके बारे में, 1935 के बारे में पढ़ना है कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और उन्हें स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया और समस्त सूची को तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया। इसमें पढ़ते हैं केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। 1935 के बाद जो है कैबिनेट मिशन 1946 पढ़ते हैं। इसमें इसको इसलिए लाया गया था क्योंकि इसमें भारत में चल रहे राजनीतिक विरोधों को समाप्त करने के लिए वहां के ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जो है एक 7 सदस्यीय शिष्टमंडल का गठन किया, जिसमें लॉर्ड पर्थी लॉरेंस भारत सचिव थे और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इनका जो है इनके साथ एक शिष्टमंडल, 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भारत भेजा, जिनकी कुछ विशेषताएं थी जिसमें से ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिला करके भारत का एक भारत संघ का एक गठन किया गया जाएगा, जिसमें से 3 विभाग विदेश, रक्षा तथा संचार होंगे और बाकी अन्य जो विभाग होंगे वो अन्य विशिष्ट शक्तियां या प्रांतों के अधीन होंगे। उसके बाद भारतीय दलों के सहयोग से अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जितने जो भी भारतीय दल होंगे सभी दलों को मिला करके सभी दलों की सहायता से एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जिसका पूरा नियंत्रण भारतीयों के हाथ में होगा और भारतीय द्वारा एक संविधान, उसके बाद बताया गया भारतीय द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें हर एक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ये घोषणा की कि भारत को 30 जून 1947 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और भारत पर जो ब्रिटिश शासन है वो समाप्त कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है भारत की सत्ता एक भारतीयों के हाथ में दे दी जाएगी। लेकिन इससे मुस्लिम लीग ने जो है इनकार कर दिया और उसने जो है आंदोलन शुरू कर दिया। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना तैयार की जिससे कि भारतीय विभाजन की योजना कही गई और उस भारतीय विभाजन की योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। तो उस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उसी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बोलते हैं। उसका क्या उद्देश्य रहा, उसमें क्या क्या चीज़ें थी? तो 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान नाम के 2 राज्य की स्थापना की गई। तो 15 अगस्त 1947 से भारत स्वतंत्र हो गया और वहीं से भारत 2 राज्यों में डिवाइड हो गया, भारत और पाकिस्तान। और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत व भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश का अधिकार पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। उसके बाद दोनों राज्यों को अपने राज्य के लिए कानून बनाने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया, छूट दे दी गई और वो अपने देश के लिए कानून बनाने के लिए वो किसी भी देश के कानून को अपना सकते थे और उन्हें जब तक वो अपना कानून नहीं बना पाते हैं तब तक उन्हें वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1935 को लागू किया जा सकता है या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 में जो भी प्रावधान था वो लागू वो अपने देश में लागू चाहते तो लागू कर सकते थे और या नहीं चाहते हैं तो लागू नहीं कर सकते थे, वो उन पर डिपेंड करता था।
इसमें वायसराय के पद को समाप्त करके दोनों देशों के लिए गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया गया, जिसमें से प्रथम और जो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालचारी थे। तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। तो आज की क्लास यहीं तक होती है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास अगले दिन स्टार्ट की जाएगी और इसका इस चैप्टर का ये जो है लास्ट क्लास थी। और हमारा ये वीडियो कैसे लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इसमें अगर कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि हम उसमें अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।